नमस्कार, देसी टिप्स हिंदी के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बालों को किस तरह से बहुत ज़्यादा लंबे कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके बाल सफ़ेद है तो वो भी दोस्तों काले होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारे साथ देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि चीन का एक ऐसा गाँव है जिसका नाम है हुएंगलो। यहाँ की औरतों की जो बालों की लंबाई है वो औसत लगभग 6 फुट तक रहती है। 6 फुट यानी कि हमारी जो लंबाई है उससे भी ज़्यादा। दोस्तों, इसका सीक्रेट क्या है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सीक्रेट बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जाना कि ये औरतें क्या यूज़ कर रही है और किस वजह से उसके बाल इतने लंबे हो रहे हैं और साथ ही साथ इतने काले हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या यूज़ करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर सीक्रेट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारी चैनल देसी टिप्स हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ अदरक के स्लाइस करने लेने होंगे। छोटे छोटे टुकड़े हम अदरक के कर लेंगे। दोस्तों, आप इस प्रोसेस को बड़ी ध्यान से देखिएगा, बड़ी ईजी और बड़ी आसान भी है। लगभग से हम 5 से 6 टुकड़े इस तरह के अदरक के कर देंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती हमें ऐड कर देनी है। दोस्तों, अब इसमें हम कुछ ऐसा मिलाने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कई बार देखा है। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं चावल का पानी, मगर किस तरह से यूज़ करना है वो आप ज़रा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 2 से 1 या 2 से 3 मुट्ठी चावल लेने हैं। आपके जितनी बालों की लंबाई है उस प्रकार से आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मैंने पहले से ही कुछ इस प्रकार का चावल तैयार करके रख लिया है। ये देखिए दोस्तों, तो आपको 2 से 3 मुट्ठी चावल लेके अपने बालों के हिसाब से उसमें पानी मिक्स कर लेना है और इसको लगभग आपको सिरामिक या मिट्टी के बर्तन में रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पानी सिर्फ सिरामिक के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही रखना है और इसमें जो हमने कुछ चाय पत्ती और स्लाइट वगैरह ऐड किए थे वो आप इसमें मिक्स कर दीजिए और बस इसको हल्का सा आप यूं ही मिक्स करके इसको लगभग 2 से 3 दिन के लिए यूं ही छोड़ दे। आपको ना ही इसको गर्म करना है और ना ही इसको ठंडा करना है। आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है उस पर आप कहीं भी रूम पे इसको ढक के 2 से 3 दिन के लिए यूं ही छोड़ दे। 2 से 3 दिन बाद जब ये आप इसको देखेंगे तो इसका स्वाद दोस्तों थोड़ा खट्टा हो जाएगा। फिर आप अपने बालों को इस पानी से वॉश कर सकते हैं। अगर आपके बाल अगर ऑयली है तो सबसे पहले तो आप शैम्पू कर लीजिए और उसके बाद कंडीशनर के रूप में आप इस पानी का यूज़ करें। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे और बेनिफिट्स भी हैं। बालों को ये दोस्तों इतना लंबा कर देता है, साथ ही साथ बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, आपके बाल अगर सफ़ेद है, दो मुँह बाल है, सभी प्रॉब्लम के लिए दोस्तों ये बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, आप जब भी अपने बाल वॉश करें तो अगर ऑयली बाल है तो शैम्पू करने के बाद वॉश कीजिए, इस पानी से अगर नहीं है तो शैम्पू ना करें तब भी चलेगा। तो ये तो था मेरा आज का नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ये सीक्रेट अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ किसी नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।